नमस्कार मित्रों, अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभेच्छा। विजयादशमी का ये पर्व जिसमें एक तरफ माँ दुर्गा का आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय, वही भगवान श्री राम का लंका दहन और लंकापति रावण का वध का दिन, यानी असत्य पर सत्य की जीत का दिन। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये त्योहार। वैसे भी दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वाले चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन इस दशहरे की पूर्व संध्या पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड विश्व कप में एक बड़ा मुकाबला खेला गया। जो मुकाबला था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान जो इस विश्व कप में चैंपियन भी रहा है, वहीं अफगानिस्तान जो 2023 के इस विश्व कप के पहले 2015 से उन्होंने अपनी शुरुआत की, इस 2023 तक आते आते उन्होंने सिर्फ एक जीत हासिल की थी, लेकिन इस विश्व कप में अफगानिस्तान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, और उसके साथ क्रिकेट के हर क्षेत्र में जो महारत हासिल है अफगानिस्तान के इन जाबाजों के अंदर, वो लगातार इस विश्व कप में दिखाई दे रहा है। ये वही अफगानिस्तान की टीम है जिसमें विश्व गत विजेता इंग्लैंड को धराशायी किया। उसके बाद कल जो मैच खेला गया वो बहुत मजेदार रहा, बहुत रोमांचक रहा, लेकिन इस कल के इस मुकाबले में अफगानिस्तान के सारे खिलाड़ियों ने एकजुट होकर के जो प्रदर्शन किया, उसके आगे पाकिस्तान की टीम कहीं भी नहीं ठहरी। चाहे वो क्षेत्र रक्षण का मामला हो, चाहे वो बल्लेबाजी का मामला हो, चाहे वो गेंदबाजी का मामला हो, कोई नहीं चला। हालांकि कप्तान बाबर आजम ने बहुत कोशिश की, अर्धशतकीय पारी खेली, 74 रन बनाए, लेकिन उनके अलावा और कोई बल्लेबाज चल नहीं सका। ठीक इसी तरह से गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं सके। उनके स्पिनर शादाब को बहुत मार पड़ी। रऊफ भी बहुत सटीक गेंदबाजी नहीं कर पाए। नतीजा हार के रूप में मिला। लेकिन अफगानिस्तान की अगर बात करें तो चाहे वो इब्राहिम जादरान हो, रहमतुल्ला गुरबाज हो, रहमत शाह हो, और अपना पहला मैच खेल रहे नूर अहमद हो, सब ने मिलकर के अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए एक बड़ी जीत दर्ज की। दरअसल जो पहला मैच खेल रहे थे नूर, उन्होंने मैच के 23वें और 25वें ओवर में ही शफीक और रिजवान को का विकेट झटक कर पाकिस्तान की जो रफ्तार थी, रनों की रफ्तार, उस पर ब्रेक लगाया। रहमत और शाहिदी ने 93 गेंद पर 96 रन जोड़े जरूर,
लेकिन पाकिस्तान को ये याद दिला दिया कि अगर उनके अंदर कोई दमखम है तो उससे ज्यादा दमखम हम अफगानिस्तानियों में है। मैच के बाद जिस तरह से राशिद ने कमेंट भी किया इंडिया को लेकर के कि इंडिया के पास रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, वो हमारे पास नहीं है, बावजूद इसके हमने पाकिस्तान पर फतह हासिल की। वाकई ये बहुत बड़ी जीत थी। बात करें अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान की, जिन्होंने 113 गेंद पर 87 रन बनाकर पाक के खिलाफ अफगानिस्तान को बेहद मजबूत शुरुआत दी। वहीं रहमतुल्ला गुरबाज ने न केवल 65 रन बनाए, विस्फोटक 65 रन, बल्कि जादरान के साथ पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़कर पाकिस्तान को न केवल बैकफुट पर ला दिया बल्कि अपनी टीम को की जीत के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। गुरबाज के आउट होने के बाद रहमत ने मिडिल ओवर में टीम को संभाला और पहले बहुत आराम से वो खेल रहे थे, सिंगल डबल्स के जरिए खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऊपर के दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। लेकिन जब समय आया, जब कमजोर गेंदें मिली, तो उन्हें बख्शा भी नहीं चौका छक्का मारने से, जम करके रन बटोरे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नूर अहमद, जिन्हें कल पहला मौका मिला अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन्होंने तीसरे स्पिनर के तौर पर बहुत सटीक गेंदबाजी की। उन्होंने शफीक, जो सेंचुरी भी लगा चुके हैं इस विश्व कप में, बाबर कप्तान बाबर आजम और रिजवान का विकेट लेकर के अफगानिस्तान को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। ये जो तीन स्पिनर अफगानिस्तान की तरफ से खेले, चाहे वो नूर अहमद हो, नबी हो या राशिद हो, इन सब ने बहुत सटीक गेंदबाजी की। इसके विपरीत अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के स्पिनरों का प्रदर्शन इस मैच में बहुत ही खराब रहा। चाहे उसामा मीर हो, शादाब खान हो, इफ्तिकार अहमद हो, कोई भी विकेट नहीं ले सका। इसी विकेट पर अफगानिस्तान के फिरकी गेंदबाजों ने काबिले तारीफ गेंदबाजी की। ये जीत बहुत बड़ी जीत है अफगानिस्तान के लिए, न केवल इस विश्व कप के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है अफगानिस्तान के इन लड़कों ने, और गजब का देश प्रेम दिखाई दिया। जब मैच के बाद अफगानिस्तान ने इस जीत को उन तमाम अफगानियों के नाम समर्पित कर दिया जो संकट की घड़ी में पाकिस्तान गए थे, मगर पाकिस्तान ने उन्हें अपने यहां शरण देने से मना कर दिया था। ये उनका स्टेटमेंट बहुत भावुक करने वाला रहा। देश के हर नागरिक के लिए एक जज्बा और जुनून पैदा करने वाला रहा। अफगानिस्तान बहुत
जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जहां राशिद जैसे अनुभवी खिलाड़ी ने उस पूरी टीम को बांध करके, चाहे वो एशिया कप हो चाहे ये विश्व कप हो, इन दोनों मैचों में उतारा है। अफगानिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी भारत में लगातार खेलते रहते हैं, आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं, उसका भी लाभ मिला उन्हें। लेकिन ये जबरदस्त मैच रहा। इस हार के बाद पाकिस्तान हालांकि अभी भी अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है, लेकिन उनका रन रेट -0.400 है। वही उसके ठीक नीचे अफगानिस्तान की टीम है जिसका रन रेट 0.969 है। लेकिन पाकिस्तान को अभी दक्षिण अफ्रीका से भी खेलना है, चार मैच अभी उनको खेलने हैं, पांच मैच वो खेल चुके हैं। अगर आगे के मैच, चार मैच मतलब चारों मैच में से कम तीन मैच उन्हें जीतने होंगे, तब जाकर के वो रन रेट को लेकर के कुछ गणित उनके साथ हो सकती है। अन्यथा पाकिस्तान इस बार विश्व कप से बाहर भी हो सकता है, ये खतरा उसके ऊपर मंडराने लगा है। इस चीज को कप्तान बाबर आजम को समझना पड़ेगा। अगर हम मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो आज ही अखबारों में यह सूचना भी आई है कि पाकिस्तानी टीम के जो सदस्य हैं वो आपस में एकजुट नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका खंडन किया है। वैसे जहां भी जो भी टीम लगातार इस तरह से बहुत साधारण सा बहुत दयनीय सा प्रदर्शन करती है, तो उसको लेकर के मीडिया में बहुत सी चीजें आने लगती हैं, बहुत सी चीजें कही जाने लगती हैं जो कि नकारात्मक होती हैं। ऐसा नहीं है कि देश की का प्रतिनिधित्व करने वाले, देश का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ियों के बीच मेरा जहां तक मानना है कि वो कभी भी इस ऐसी परिस्थितियों में विश्व कप जैसे मुकाबलों में एकजुट होकर के नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर ये बात आई है तो कुछ न कुछ तो होगा, अगर धुआं उठा है तो कहीं चिंगारी भी होगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ कल के मैच में, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिहाज से बहुत निराशाजनक रहा। अब हालांकि अब भी वक्त है, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि कप्तान बाबर आजम सहित टीम प्रबंधन को, पूरी टीम प्रबंधन को अपने लड़कों को एकजुट करके उनमें जोश भर के एक नए सिरे से लीग के बाकी मैचों में उतरना पड़ेगा, अगर अब सेमीफाइनल में जाने की संभावनाओं को कायम रखना है। जबरदस्त अफगानिस्तान के इस क्रिकेट टीम को एक क्रिकेटर होते हुए मैं तो सलाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद से कि वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। एक चीज और कहनी रह गई थी, इसके लिए हमें वापस आना पड़ा है। ये कल का दिन अगर बहुत भारतीय क्रिकेट के लिए ही नहीं, दुनिया की क्रिकेट, दुनिया विश्व क्रिकेट के लिए बहुत
निराशाजनक रहा। भारत के लीजेंड लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बिशन सिंह बेदी हम लोग के बीच नहीं रहे। वो बेदी जो दुनिया को, दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाते रहे, वो उन्हें काल के जाल में समाना पड़ा। 77 वर्षीय बिशन सिंह बेदी, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब क्रिकेटर, दुनिया भर के क्रिकेटर उनकी स्मृतियों को लगातार अनंत काल तक अपने दिल में, अपने दिमाग में सहेजे रहेंगे। यहां मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूंगा कि श्रद्धांजलि तो बहुत सारे लोग उनको दे रहे हैं, लेकिन बिशन पाद जी का एक सपना था, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते, कि भारत में जितने भी खेल मैदान हैं वो अपने लीजेंड क्रिकेटर्स के नाम पर रखे जाएं। फिरोज शाह कोटला का नाम जब बदला था तो उन्होंने इसका प्रबल विरोध भी किया था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि फिरोज शाह कोटला के अंदर जो बिशन सिंह बेदी स्टैंड है वहां से उनका नाम हटा दिया जाए। हमारी अपील है बीसीसीआई से, डीडीसीए से, दिल्ली के क्रिकेटरों से कि अगर बिशन पाजी का यह सपना पूरा होता है तो यह उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब मिलकर के अगर बिशन पाजी से मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए आगे आए और सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखें। बिशन पाजी को तहे दिल से नमन करता हूं, अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार।